बड़ा जबरदस्त रोल निभाता है ये भी इकोसिस्टम में। ओहो जाओ, ओहो नाराज ही बहुत हो रहे हो आप। ओ नागराज देखो आप, ओहो देखो आप, ओहो ओहो ओहो। जय हिंद दोस्तों, और आज हम आए हैं हमारे ज़िला सवाई माधोपुर से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर हमारे टोंक रोड पर, अलीगढ़ उनियारा के बीच में पड़ता है खेड़ली बालाजी। और यहाँ पर कोबरा नाग बताया है मेरे को सिरदास ने, वीडियो भेजी, और उसके मार्फत में ज़िला सवाई माधोपुर से आया हूँ। और हमारे सिरदास भैया साथ में है, और ये इनका फार्म हाउस है, यहाँ पर यही रहते हैं। तो आपने देखा इसको है? हाँ सर, काफ़ी टाइम से है यहाँ पर। हाँ, ये लगभग साल दो साल से घूम रहा है ये। हाँ, पर आज आके बैठ गया है। आज आके आपका पेड़ खाओ आ गया। हाँ, सब यहीं मौजूद हैं सारे, और इस पट्टी के पीछे बैठा हुआ है ये सुंदर सांप है। तो हम आपको दिखाते हैं इसको। बहुत सुंदर सांप है। बहुत सुंदर बड़ा सांप है। नाग है, तो नाग है, देख दे नाग है। नाग नाग है ना? नाग है, नागिन नहीं है। हाँ, आप लोग तो नागिन बता रहे थे। नहीं कोई दिक्कत नहीं, इसकी तिल्लियां भी लगी हुई है यार। भैंस गाँव के, भैंस गायों के जो तिल्लियां लग जाती है ना, वो तिल्लियां लगी हुई है। देखो इसे, वो बोलते हैं ना चीचड़े। ये मारा पकड़ा पाए मु खरे पाइप को निसम। ये देखो चीचड़े लगे हुए हैं इसके। ऐसे मारा दिया 900 के जो फिर वो पाइप छोड़ पा आगे के जरूर चीचड़े लगे हुए हैं इनके। इसके ले लो, अरे खरे का दामड़ से नहीं, नहीं दामड़ नहीं, कालो से ले ले। आए ले, आए नागराज, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। बहुत सुंदर। ओहो वेरी नाइस यार, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर सांप है यार, काफी बड़ा सांप है और बिग साइज। उसकी तिल्लियां लगी हुई है। ओहो आवाज भी जबरदस्त कर रहा है ना। वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बनाओ ना, अरे हमारा नीड़ जाओ काटो नहीं। वैसे ये किसी को जबरदस्ती काटते नहीं है, काटने से परहेज रखते हैं ये। ये जीव वैसा ही होता है। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है अगर अनजाने में पैर रखा हो गया। आपका रखा हुआ आया क्या पैर? हैं आपका? अच्छा अच्छा, देखो आप इसमें गुस्सा इतना हो रहा है, इसको पसंद नहीं है इसके कोई हाथ लगाए। हाँ, इसके जब मैंने पकड़ लिया ना इसको, अभी मैंने इसको पकड़ लिया है, इस वजह से ये क्या है कि थोड़ा गुस्से में है। तो इनको पसंद नहीं है, ये आज़ाद किस्म के जीव होते हैं कि इनको कोई पकड़े बिल्कुल पसंद नहीं है इनको। बैठा हुआ है, देखो कितना सुंदर है, कुदरत की सुंदरता है ये। कुदरत की अपनी शक्तियाँ दिखाती रहती है, और वो शक्तियों में से एक ये हिस्सा है कुदरत की शक्तियों में से। बड़ा ज़बरदस्त रोल निभाता है ये भी इकोसिस्टम में। ओहो ओहो बहुत सुंदर,
चले नागराज, चले क्या? जाना नहीं है कहीं भी। मैं लेके चलते हैं और पुनर्वास हेतु इसको जंगल में छोड़ देंगे। इसकी एक परमात्मा ने हर चीज की एक लिमिट बनाई है, इसकी एक लिमिट है, उस लिमिट को अगर अपन क्रॉस करेंगे ना तो फिर ये खा जाता है। अपन इंसान है, अपन को ध्यान रखना पड़ेगा इन जीवों का। अपन कहते हैं ना अपने बीच में आ गया, ये तो जगह ही इनकी है, अपन इनके बीच में आ गए। जंगलों में तो, खेतों में तो मकान अपन ने बनाए, तो जगह इनकी है, इसलिए बिल्कुल भी नहीं। दूसरा ये अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चले नागरा, ये लगे चले चले गए भाई शाम से डर के लिए ना। दोस्तों हम आ गए हैं जंगल और साथ में लेके आया हूँ इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जो अभी हमने चंद घंटे पहले ही हमारे ज़िला सवाई माधोपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर टोंक रोड पे उनियारा और अलीगढ़ के बीच में वहाँ से हमने रेस्क्यू किया है। और उसको बोलते हैं देवली के बालाजी, ऐसा कुछ इलाका, सिरदास मीणा जी के साथ है। और साथ में मेरे को रास्ते में एक रेस्क्यू और था मेरे पास, तो इंडियन रेड स्नेक का, उसका हमारा रेस्क्यू का वीडियो नहीं बन पाया। और दोनों को छोड़ रहे हैं हम और दिखाते हैं आपको बारी बारी से। और मैं आ गया हूँ जंगल और सुनसान पूरा जंगल है, कोई नहीं है, मैं आज अकेला ही हूँ और अकेला ही रेस्क्यू पे गया था। बिल्कुल कहीं कोई भी कुछ नहीं है, सब जंगल ही जंगल है टोटल। तो दिखाते हैं हम आपको, एक तो ये है रेड स्नेक और एक है ये कोबरा बैठा हुआ है। तो दोस्तों हम सबसे पहले इंडियन रेड स्नेक को छोड़ेंगे जिससे इसकी जा सके। देखो देखो बड़े साइज का है और ये गया लंबी दूरी पे जा रहा है, देखो बहुत सुंदर। जाओ दोस्त, जियो अपना जीवन, मिलेंगे फिर कभी जिंदा रहे तो, बहुत सुंदर। और मित्रों अब हम नागराज को भी छोड़ देते हैं, इनको भी जाने देते हैं। तो जाओ नागराज, ओहो फूफाने में लगे हुए हैं, देखो जाओ। ओहो नाराजी बहुत हो रहे हो आप तो। बहुत सुंदर, जाओ 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 जाओ, आपकी जगह आ गई है। ओ नागराज देखो आप, ओहो देखो कितने गुस्से में है नागराज। ओहो वेरी नाइस, आ जाओ नागराज, आओ जाओ जाओ जाओ, देखो आप। ओहो 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 नागराज, जाओ नागराज जाओ जाओ, और ये गया बम्बे के अंदर। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, वेरी नाइस। और ये अंदर जाके बैठ गया, देखो आप इसकी गतिविधियाँ चल रही है, बहुत सुंदर बहुत वेरी नाइस। तो दोस्तों हमने इन दोनों जीवों को छोड़ दिया है, मन बड़ा प्रसन्न है, आत्मा बड़ी शांति है। और ऐसी क्रिटिकल स्थिति से हमने इनको, आज दोनों जीवों को हमने रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करके यथावत स्थान हमने जंगल में इनको छोड़ दिया है। कुदरत इन्हें संभालेगी, ऊपर वाला सबका ध्यान रखता है। तो हमारा तो एक ही मूल मंत्र होता है कि जियो और जीने दो, दुनिया में इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती और दुनिया में शांति का पैगाम भी यही होना चाहिए।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही किसी जीव का संरक्षण करते हुए, उसकी हेल्प करते हुए, मदद करते हुए, और उन परिवारों का डर दूर करते हुए, उन लोगों का भय दूर करते हुए जहाँ पर ये भूले से भटकते हुए आ जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और गर्व से बोलेंगे वंदे मातरम।